हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ वोकैबुलरी इजीली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। समटाइम्स वी कंफ्यूज बिटवीन वर्ड्स बिकॉज दे हैव सिमिलर स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन ऑल्दो दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स जो होती है वो सेम होती है और उसके प्रोनंसिएशन भी सेम होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस सम वर्ड्स हियर लाइक दिस। फर्स्ट इज एक्सेप्ट। अब देखो, दोनों स्पेलिंग जो है डिफरेंट है लेकिन प्रोनंसिएशन सेम है और इनके जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। फर्स्ट जो एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है टू एग्री टू रिसीव और डू समथिंग विलिंगली। मतलब किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए एग्री होना और अपनी इच्छा से विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से किसी काम को करना। और सेकेंड एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं करना। जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं एक्सेप्ट, लाइक एक्सेप्ट बुक, मतलब बुक को इंक्लूड नहीं करना है, तो सेकेंड एक्सेप्ट जो है वो होता है नॉट इंक्लूडिंग। सेकेंड है एडवाइस। अब यहाँ पर देखो, एक ही लेटर का डिफरेंस है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एस। तो इस एडवाइस का मीनिंग होता है सजेशंस अबाउट व्हाट टू डू। सजेशंस किस बारे में कि क्या करना है। सजेशंस का मतलब होता है सलाह देना या लेना। ओके, और एडवाइस, सेकेंड एडवाइस का मीनिंग होता है टू सजेस्ट समथिंग, कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को सजेस्ट करना। ओके, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है टू चेंज और मेक अ डिफरेंस टू समथिंग, किसी भी चीज़ में कुछ डिफरेंस या उसको चेंज करना। और सेकेंड इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, हमने जो काम किया है उसका इफेक्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला है। नेक्स्ट है अलाउड। अलाउड फर्स्ट वाले का मतलब होता है आउट लाउड, मतलब ऊंची आवाज़ में ज़ोर से। और सेकंड अलाउड का मतलब होता है परमिटेड, परमिशन दी गई है। जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को परमिशन दी, अलाउ किया है कि नीचे प्लेग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं। ऑलरेडी, फर्स्ट ऑलरेडी का मतलब होता है जो डबल एल के साथ है, फुली प्रिपेयर्ड, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड। और सेकेंड ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर, मतलब जिस टाइम पे हम उस काम को बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। लाइक आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, कि मैं ऑलरेडी इस काम को कर चुका हूँ। नेक्स्ट बेयर। बेयर दोनों सेम है, मतलब स्पेलिंग जो है डिफरेंट है लेकिन प्रोनंसिएशन सेम है। तो फर्स्ट बेयर का मतलब होता है नेकेड। ओके, इसका मतलब होता है किस चीज़ को अनकवर किया हुआ। और सेकेंड बेयर का मतलब होता है टू कैरी और टू पुट अप विथ, इसकी टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, बेयर का मतलब। नेक्स्ट है ब्रेक। अ डिवाइस फॉर स्टॉपिंग अ व्हीकल। फर्स्ट ब्रेक का मतलब होता है कि व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक। और सेकेंड ब्रेक है टू सेपरेट इनटू पीसेस, पीसेस में सेपरेट करना, उनको अलग अलग करना। चूज और चोज, चूज का मतलब होता है सिलेक्ट करना और चोज क्या है, वो चूज का पास्ट टेंस है। कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर भी देखो, एक ही लेटर का वर्ड है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है। कॉम्प्लीमेंट टू ऐड टू सो एज टू इम्प्रूव समथिंग, कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना। और एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू प्रेज, तारीफ करना। ओके, डेजर्ट अ ड्राई लैंड, सूखी ज़मीन जो होती है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल सूखी ज़मीन, रेगिस्तान की, जैसे जो रेगिस्तान को हम बोलते हैं ना डेजर्ट, तो वो ही है ड्राई लैंड। और एक है डिज़र्ट। अब इस डिज़र्ट का मतलब क्या होता है, द स्वीट कोर्स ऑफ अ मील, खाने में जो स्वीट डिश बनाई जाती है, ठीक है, जिसे मोस्टली खाने के बाद खाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिज़र्ट। लूज, लूज का होता है टू अनफासन, मीन्स जो कहते हैं ना लूज मीन्स होता है ढीला करना। और एक लूज का मतलब होता है टू बी अनेबल टू फाइंड, किसी चीज़ को ढूंढ ना पाना। लाइक आई हैव लॉस्ट माई की, कि मेरी की गुम हो गई, मुझसे मिल नहीं रही है। तो टू बी अनेबल टू फाइंड, किसी चीज़ का ना मिल पाना। प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ एन आइडिया और मेथड, किसी भी आइडिया और मेथड का यूज़ करना। एक प्रैक्टिस है टू डू समथिंग रिपीटेडली टू गेन स्किल, किसी स्किल को गेन करने के लिए किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करना, उसको रिपीट करना, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। प्रिंसिपल, स्टूडेंट मोस्टली इस स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एक होता है पी ए एल प्रिंसिपल और एक होता है पी एल ई प्रिंसिपल।
तो फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल होता है वो द हेड ऑफ अ स्कूल, स्कूल के हेड को बोलते हैं प्रिंसिपल। और एक प्रिंसिपल होता है फंडामेंटल रूल, किसी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस किसी चीज़ के लिए बनाए हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल, PLE वाला प्रिंसिपल। स्टेशनरी, स्टेशनरी एक होता है नॉट मूविंग, मूव नहीं होना, ठीक है, फिक्स्ड रहना, नॉट मूविंग। और एक स्टेशनरी होता है राइटिंग मटेरियल्स, लिखने की जो आती है ना मटेरियल्स लाइक पेन, पेंसिल, स्केच वगैरह, ये सब क्या होता है, स्टेशनरी मटेरियल्स। कोर्स, रफ, बिल्कुल रफली। और एक कोर्स होता है अ स्कूल सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ए मील, स्कूल के सब्जेक्ट को भी हम कोर्स बोलते हैं और जो खाने का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसको भी हम कोर्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू कैन यूज़। ओके, नेक्स्ट इज साइट, द एबिलिटी टू सी, देखने की योग्यता, एबिलिटी। और एक साइट होता है लोकेशन, हमने कोई जगह देखी है, ठीक है, किसी चीज़ को चीज़ बनाने के लिए हमने कोई जगह देखी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइट। और लोकेशन उसका मीनिंग होता है। डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शल, डिसइंटरेस्टेड ऐसे लोग जो पार्शियलिटी नहीं करते हैं, इम्पार्शल होते हैं, सबके लिए एक जैसा, उनके लिए सबके लिए एक जैसा डिसीजन होता है उनका। और एक अनइंटरेस्टेड, किसी चीज़ में नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट ना होना, आई एम अनइंटरेस्टेड इन डूइंग दिस थिंग, मैं इस चीज़ को करने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लाइक दिस। एक है आपका एनविलोप, अब देखो एनविलोप का मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग, इसमें देखो एक लेटर का वर्ड, इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, तो इस एनविलोप का मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग, किसी चीज़ को आसपास से कवर करना। ओके, और इस एनविलोप का मीनिंग होता है अ पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर, लेटर रखने के लिए जो पेपर कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लेटर रखते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, एनविलोप। नाउ सी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चूज़ द करेक्ट वर्ड। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है और साथ में ऑप्शंस में आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। ओके, फर्स्ट ही सेट डैश मी, बिसाइड और बिसाइड्स क्या आएगा, इस बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन, किस चीज़ को ऐड करना, और इस बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, अगली तरफ, तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पर, ही सेट बिसाइड मी। सेकेंड, आई डैश योर गिफ्ट, कौन सा एक्सेप्ट आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्सेप्ट है, यहाँ पर एक्सपेक्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट। ओके, ACCEPT, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। थर्ड, आई नीड योर एडवाइस, कौन सा एडवाइस लेंगे हम, सी वाला, सजेशन लेना है हमें, ठीक है, एडवाइस। फोर्थ, डेविड हैड डैश कंप्लीटेड दैट टास्क, टास्क के लिए उसने अपना टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो ऑलरेडी यहाँ पर कौन सा आएगा, सिंगल एल वाला। फिफ्थ, आई वुड लव अ पीस ऑफ चॉकलेट फॉर डेजर्ट और डिजर्ट, क्या आएगा, डिजर्ट, क्योंकि हम यहाँ पर स्वीट डिश की बात कर रहे हैं। सिक्स, चेस्टर वॉज केयरफुल नॉट टू डैश हिज टिकट, लूज कौन सा आएगा यहाँ पर, LOSC और LOOSE, LOSE। सेवन, द हरिकेन ब्लू अलॉन्ग द प्रिडिक्टेड डैश कोर्स, कौन सा कोर्स आएगा यहाँ पर, रफ वाला, हम यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट या मील की बात नहीं कर रहे हैं, हम हरिकेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए वाला, CORSE। एट, मिनी रिसीव्ड मैनी डैश फॉर हर शर्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना, और इस कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है टू प्रेज, तारीफ, ठीक है, प्रेज। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मिनी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हर शर्ट, कि मिनी को उसकी शर्ट के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। नाइन्थ, आफ्टर द लेज़र ट्रीटमेंट हर डैश वॉज परफेक्ट, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद उसकी साइट क्या थी, परफेक्ट थी, कौन सी साइट, एबिलिटी टू सी, देखने की योग्यता, और साइट ये होता है लोकेशन वाला, तो हम यहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा साइट यूज़ करेंगे, SIGHT साइट। टेंथ, द चाइल्ड इज डैश टू स्टे अ प्लेट ऑन वीकेंड्स, मतलब बच्चों को अलाउड, कौन सा अलाउ, परमिशन दी गई है वीकेंड्स पर रुकने की। 11th,
I used to collect stamps, but I am dash these days. Disinterested means impartial, partiality नहीं करना, और uninterested मतलब उस चीज़ में interest ना लेना, कि मुझे stamps collect करता था मैं, बट आजकल मैं इन चीज़ में interest नहीं लेता हूँ. तो हम क्या लिखेंगे, uninterested, ठीक है, कि उस चीज़ में interest नहीं लेना. 12. What is dash name? Your और you are, ये you are है का short form है. तो हम क्या बोलते हैं, what is your name, हम ऐसे नहीं बोलेंगे what is you are name, हम बोलेंगे what is your name. ओके, तो your लिखेंगे हम. 13. I need to go to dash early today. I haven't had time to dash my game these last few days. अब कौन सा प्रैक्टिस आप लिखोगे, कि मुझे आज मतलब कि प्रैक्टिस के लिए जाना है. आई हैवन्ट हैड टाइम, कि पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने गेम की प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला है. यहाँ पर कौन सा प्रैक्टिस आएगा, SE वाला प्रैक्टिस, क्योंकि जो CE वाला प्रैक्टिस है उसका मतलब होता है किसी भी आइडिया और मेथड का यूज़ करना, और S वाला जो प्रैक्टिस है उसका मतलब होता है किसी भी स्किल को गेन करने के लिए उस चीज़ की बार बार रिपीटेशन, उसको रिपीट करना. ओके, तो यहाँ पर हम दोनों में कौन सा S लिखेंगे, S वाला प्रैक्टिस लिखेंगे. 14. फॉर जजिंग द डिबेट वी नीड 5- पीपल हु आर ऑल्सो गुड स्पीकर्स. अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, कि डिबेट को जज करने के लिए मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे स्पीकर्स भी हों. कौन से लोग, ऐसे लोग कि जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, या ऐसे लोग जो इम्पार्शियल हैं. हम कौन से लेंगे, डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इम्पार्शियल है, जो पार्शियलिटी नहीं करते हैं. ओके, 15 सेंटेंसेस. द क्लाउड्स वर एंड डैश अराउंड द माउंटेंस स्टैंडिंग हाई. टू ऑप्शंस हैव बीन गिवन, एनवेलप और एनवेलप. ओके, सो वी विल राइट सेकेंड वन, एनवेलप विदाउट ई, क्योंकि इसका मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग. तो द क्लाउड्स वर एन एनवेलप अराउंड द माउंटेंस स्टैंडिंग हाई. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.